हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे पास जो स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो के अंदर जंक बहुत ज़्यादा लग गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो मतलब होल हो गए हैं रस्टिंग की वजह से, तो उस पर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कवर को हटा कर आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं कि होल हो गए हैं। आप सारी जगह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मतलब रस्टिंग ज़्यादा हो गया है वहाँ पर होल की दिक्कत आ गई है। तो पुरानी गाड़ी में ऐसी दिक्कत रहेगी, 10 साल से ऊपर रहेगा तब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पिछले जो दरवाज़ा है वहाँ पर भी रस्टिंग की वजह से लॉक नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि पूरा हमने पीछे का सीट और आदि निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें रस्टिंग की वजह से जो होल हो गए थे उसको काम करना है यहाँ पर। तो वेल्डिंग करके आपको दिखा देते हैं कि कैसा काम रहेगा यहाँ पर और कितना खर्चा आता है। और हर गाड़ी के अंदर ऐसा शायद होता ही है कि जहाँ पर आप टायर की जो मतलब गोलाई होती है, उस गोलाई ज़्यादातर रस्टिंग के कारण जो होता है, पतरा जो होता है वो गल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ पर ये है पूरा आप देख सकते हैं कितना गल चुका है पतरा। तो यहाँ पर नया पतरा हम यहाँ पर डालेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भाई साहब जो कुछ निकाल रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो वो एक रबर की परत होती है, तो उसको निकालना पड़ता है, तब जाके वहाँ पर अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो पाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर दरवाजे के चारों दरवाजे होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर रिबिन लगती है, वहीं पर जो पतरा होता है पूरा गल जाता है। तो वहाँ पर भी हम वेल्डिंग करेंगे दोस्तों, आप देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पिछले दरवाजे का जो लॉक होता है वहाँ पर भी हमने वेल्डिंग करवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो पतरा जो लगा हुआ था वो टूट गया था रस्टिंग के कारण। तो मतलब दरवाज़ा पूरा लॉक नहीं हो रहा था, और जब लॉक हो जाता तो खुलता नहीं था, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके अंदर भी हमने इसका जो होता है पूरा निकाल के दूसरा वहाँ पर पतरा लगा दिया और पूरा वेल्डिंग कर दिया है। दोस्तों, आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर रस्टिंग की वजह से होल हो गए थे वहाँ पर वेल्डिंग की है। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 है, और यहाँ पर हम पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।